बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कुंजी नहीं है संदूक की। अगर इसके बगैर उन्होंने संदूक खोलने की कोशिश की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दवा पिलाई थी आपने? जी, वक्त पर दे दी थी। इस बुखार में चलता रहूंगा और मेरा वादा है जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता रहूंगा। हमें इनकी मदद करनी चाहिए भाई। रुक जाओ उस्मान, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना सिपाहियों, इन दोनों को हमें जिंदा पकड़ना है, मरने नहीं चाहिए। वो लोग कह रहे थे ना पाक मंगोलों के लिए हमारी जमीन पर जगह नहीं और ना ही अमूरो लारी वालों के लिए। कबूल करोगे कि यह हमला तुमने किया है, वरना मैं तुम्हें सबके सामने जान से मार दूंगा। बस बहुत हो गया। इसने आपसे झूठ कहा था, आपकी गैर मौजूदगी में इसने कबीले पर हमला किया। उमरुल्लार, ऐसा क्यों समझती हैं कि गुंदूज ने आपके सिपाहियों को मारा है खातून? मेरे बाबा और मैं कुछ दिन पहले आपके कबीले आए थे। रियासत की तरफ से हमें जिम्मेदारी दी गई थी। हाइमा खातून और आर्तुक साहब को हमने बताया था। जब गुंदूस ने यह सुना कि हम महसूल वसूल करने आए हैं तो वो आपे से बाहर हो गया। गुंदूस सिपाही ने अपना खंजर मेरे बाबा की गर्दन पर रख दिया, फिर हमारी बेइज्जती करके हमें कबीले से बाहर निकाल दिया। मंगोलों के जासूसों की तरह आए थे कबीले में। आपके बाबा ने हमें नीचा दिखाया और कबीले में आकर बदतमीजी की। औताक में दाखिल होना चाहा बिला इजाजत। दादी से बदतमीजी भी की उन्होंने। मैंने बस उन्हें हद बताई थी। गुंदूस, इसके बाद गुंदूस ने आपके सारे सिपाहियों को मार डाला। खातून,
मतलब यह है कि सिर्फ गुंदूज ही नहीं बल्कि सबका ये सिपाही गुनाहकार है आपकी नजर में। जरा मोहतात रहकर बात किया करें। कुछ भी ढका छुपा नहीं है अर्तुरुल सरदार, ये कुछ भी कहें मगर सब कुछ साफ जाहिर है और वाजे है। अगर आप इसकी हिमायत करेंगे तो सच क्या है हम उस तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। भाई अताज साहब अब ठीक हैं, सिपाहियों की निगरानी में वो आराम कर रहे हैं। अताज साहब जब बेहतर महसूस करेंगे तो हम उनसे मालूमात लेंगे। बहुत बेहतर भाई, आपके जख्म पर मरहम लगा दूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब कहाँ हैं? आराम कर रहे हैं वो। उमर सरदार को जब ये मालूम होगा तो मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगी। खातून, आपका गुस्सा बचा है, आपके सिपाही कत्ल हुए हैं, लेकिन आपकी बातों से साबित नहीं होता कुछ भी, सिर्फ इल्जाम तराशी है। इल्जाम तराशी? अताज सरदार की पीठ पर लगने वाला तीर तुर्कों का है। गुंडू सिपाही ने और आर्तुक साहब ने हमें दूसरे इलाकों की जानिब सफर करने से मना किया, दबाव डाला हम पर, धमकाया गया हमें। आज हमारे सिपाहियों पर हमला हुआ, अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। अताज सरदार अगर हमारे सिपाहियों और गुंदूस को वहां देखते तो बताते नहीं? हमलावरों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे और गुंदूस का जहां तक ताल्लुक है, अताज सरदार के बाजार आने के कुछ ही देर बाद ये भी यहां आ गया। आखिर कहां था ये? हमारे सिपाही और अताज सरदार पर हमला करके आया था आपका बेटा। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ फिर कहां थे तुम? गुंदूस, बताओ कहां थे तुम? बाबा मैं, बाबा बताओ कहां थे तुम गुंदूस? शुक्र है हम बच गए भाई, वरना हम दोनों को मार डालते। अगर शिकार के लिए ना आता मैं तो हमारे साथ ये सब ना होता भाई। अगर हम जल्द वापस न गए तो दादी बहुत परेशान हो जाएंगी। फिक्र मत करो भाई, जल्द कबीले पहुंच जाएंगे।
थे तुम गुंदुस? जो कुछ भी बताने को तैयार नहीं उसकी बेगुनाही पे कैसे यकीन कर सकते हैं हम? मैं बताता हूं सरदार, हम घुड़सवारी का मुकाबला करने गए थे। घुड़सवारी का मुकाबला? अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ कह रहे हो तुम? दुमरुल, गुंदुस और चारी को जिंदान में डाल दो। जब तक सच्चाई ना मालूम हो जाए ये वहीं रहेंगे। बाबा, ये खातून झूठ बोल रही हैं, बहतान लगा रही हैं मुझ पर। इनकी बातों में आकर आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सरदार, उस्मान और साहब जी सुबह शिकारगाह गए थे। वालिदा ने खबर भिजवाई है, वो अब तक वापस नहीं आए। शिकारगाह? वो जगह तो दूसरे तुर्क कबीले के रास्ते में है बमसी। जी भाई, ये वही इलाका है जहां अताद सरदार के काफले पर हमला हुआ था। बाबा, मुझे वहां जाने की इजाजत दीजिए। मैं जिंदान में नहीं रह सकता जबकि मेरे दोनों भाई खतरे में हैं। ले जाओ इन्हें तुमरुल। बाबा, इन्हें रोकिए। बाबा, मेरे भाइयों की जान खतरे में है, मैं जिंदान में नहीं रह सकता। बाबा, छोड़ो मुझे। अगर मेरे भाइयों को कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं तुमसे इसका इंतकाम लूंगा खातून, याद रखना। हथियार फेंक दो अपने। सुना नहीं तुम दोनों ने? खंजर भी फेंको। चलो मेरे साथ।
भाई 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 उठिए ना, होश में आइए भाई, भाई आंखें खोले अपनी, भाई भाई होश में आए। दोनों पर नजर रखना। बहुत गलत कर रहे हैं आप बाबा। एक खातून के झूठ की वजह से आप मुझे जिंदान में कैसे डाल सकते हैं? मेरे दोनों भाई मुसीबत में, मुझे निकलना होगा यहां से। चारी, मुझे यहां से निकलना होगा, मैं नहीं रह सकता यहां। संभालो खुद को गुंदुस, बंद करो चीखना। कैसे संभालूं मैं खुद को चारी? मेरे भाई मुसीबत में है और मैं उस खातून के झूठ की वजह से कैद हूं। कुछ करना होगा मुझे, नहीं रुक सकता मैं यहां पर, नहीं रुक सकता। सरदार की इजाजत के बगैर हम यहां से नहीं निकल सकते, वो हमें माफ नहीं करेंगे गुंदुस। तुम जिंदान में ही रुको चारी, मैं अकेला चला जाऊंगा। कहां जा रहे हैं अर्तुरुल सरदार? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हर कोई जानता है सूत एक पुरअमन और महफूज इलाका है और आप इस इलाके के सरदार आला हैं, लेकिन अर्तुरुल सरदार ये अमन और हिफाजत आपके लिए है। हम जब से यहां आए हैं मुश्किल में घिरे हुए हैं, क्या आप इसे कयादत कहते हैं? उमर साहब, मेरे बेटे गुंदूस और उसके साथियों ने आपके सिपाहियों को नहीं मारा। मुजरिमों का सुराग मिल जाएगा, फिलहाल जाना है मुझे। यह सोचिएगा भी नहीं कि आप अपने बेटे को बचा लेंगे। इस मामले की तहकीकात में रुकावट नहीं डालिएगा। बाबा खामोश रहो तुम। अगर मुजरिम आपके कबीले के नहीं है तो जल्द तलाश करें असल मुजरिम को, वरना जिस सूत को आपने 10 साल में आबाद किया उसे 10 दिन में कब्रिस्तान बना दूंगा मैं। उमर साहब, जिसने भी हमें कब्र में उतारने की कोशिश की वो सब खुद कब्र में सो रहे हैं आज। आपको मालूम है नाज़ेबा कलिमात खुद बोलने वाले के सामने आते हैं। ये अल्फाज आपके गम और गुस्से की वजह से हैं। सरदार हूं इस इलाके का मैं, मुजरिमों को तलाश करूंगा और सजा भी दूंगा उन्हें मैं। अब आप ज्यादा परेशान ना हो इस पर, और बेहतर होगा कि मेरे रास्ते की रुकावट ना बने। चलो सिपाहियों। देख लेंगे अर्तुरुल सरदार, देख लेंगे। अर्तुरुल का बेटा कहाँ है? उन्होंने उसे जिंदान में कैद कर दिया है बाबा। उसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे उससे कुछ सवालात करने हैं। चलो सिपाहियों।
मुहाफिज। कहीं ये गुंडो सरदार। दरवाजा खोलो, जिम्मेदारी लेता हूं मैं। मुमकिन नहीं, अर्तुरुल सरदार की इजाजत नहीं है। छोड़े मुझे गुंडो सरदार। ये तुम क्या कर रहे हो गुंडोस? मेरे भाई मुसीबत में, जाना होगा मुझे। चारी, चारी, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे गुंडू सरदार। मशवरा नहीं मांगा तुमसे। चारी, बंद करो दरवाजा। तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो कुंदोस। मेरे लिए भाइयों से बढ़कर कुछ भी नहीं चारी, बंद करो। कुंदोस मेरे भाई, अमीर बहाउद्दीन जल्द पता लगा लेंगे कि हम पे हमला किसने किया है। अगर वो पता ना लगा सके तो हमारी जान ले लेगा हलाकू खान। भूलना मत, हमने वो कीमती संदूक गवा दिया है। हमारी जान वैसे भी खतरे में है। अंदर बोर्ड चुके हैं, हम घिर चुके हैं। ये कौन लोग हैं? ये तो सिपाही है, लेकिन ये दूसरा कौन है? कमांडर बोर्चिगिन, मैं इस इलाके में हलाकू खान का जासूस हूं। इनके और साथी आते होंगे, निकलना होगा हमें। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जल्दी निकलना होगा हमें। चलो जल्दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुंडू सिपाही कहाँ है? वो जा चुका है। सिपाही हो? यहाँ कोई सिपाही नहीं, सब जा चुके हैं। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ है गुंडू सिपाही? अर्तुरुल सरदार ने आजाद किया है उसे। ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ से खुद भाग निकला बगैर किसी मदद के। जा सकती हैं अब। इलबिल के खातून, ये रही चाबी। ये आप क्या कर रही हैं इलबिल के खातून?
जल्द मालूम हो जाएगा तुम्हें। कुंदूस सिपाही कहां गया है? सच सच बताओ मुझे। ना बताऊं तो क्या बिगाड़ लेंगी आप मेरा? अंदाजा नहीं है तुम्हें कितना बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। जो पूछा है उतना बताओ, गुंदूस सिपाही कहां गया है? पता होता तो भी नहीं बताता। तुम बस करें, गुंदूस सरदार अपने भाइयों की तलाश में गए हैं। अब ये कौन सी नई चाल है? कौन ले गया है उसे? वो खुद भाग गए यहाँ से, मुझसे जबरदस्ती चाबी छीन कर वो फरार हो गए। आपको अपनी हरकत का खामियाजा भुगतना होगा। सिपाहियों बंद कर दो इन दोनों को। साफ जी का घोड़ा है ये तो। घोड़ा यहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ गए होंगे भाई। हमें उन्हें जल्द तलाश करना होगा। चलो। ये उमरूलार कबीले के सिपाही हैं। देखो कोई जिंदा है इनमें। नहीं भाई, कोई नहीं, सब मर चुके हैं। भाई यहां रास्ते में कुछ निशानात मौजूद हैं। बंसी, इन सिपाहियों की लाशों को उमर के पास लेकर जाओ और दफनाने का इंतजाम करो। जो आपका हुक्म भाई। चलो उस तरफ, चलो चलो। सिपाहियों, लाशों को उमर सरदार के पास ले जाओ और दफनाने का इंतजाम करो। जाओ जल्दी करो।
आखिर वो हैं कौन लोग? क्या वो अब भी हमारा पीछा कर रहे हैं? हाँ, वो अब भी हमारे पीछे। जब हमने उन्हें आपका ताकुब करते देखा तो हम आपके पीछे आपकी हिफाजत के लिए आ गए। आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। माहिर सिपाही लगते हैं आप लोग। कमांडर कौन है आपका? कमांडर काराबोरू। कमांडर बोर्चिकिन, काराबोरू भी रास्ते में है। इस पूरे इलाके में सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि लुटेरे भी मौजूद हैं। हमें मंजिल तक पहुंचने तक आपकी हिफाजत का ख्याल रखना होगा। वो अब भी हमारे ताकुब में है, हमें इन सिपाहियों की मदद लेनी चाहिए, यही बेहतर रहेगा। तो फिर ठीक है, हमारे पीछे चलते रहो। चलो। भाई, ये निशान इस तरफ जा रहे हैं। साहब जी, ये कदमों के निशान बच्चों के, उस्मान और साहब जी के हो सकते हैं। उस तरफ चलो, चलो उस तरफ। साहब जी, उस्मान। क्या बात है, क्या हुआ? गुंदुस, उनके बाबा ने उन्हें जिंदान में डाल दिया है। क्या कहा तुमने? उम्रुलार के सिपाहियों को किसी ने मार दिया और उस हमले का इल्जाम गुंदुस पर लगा दिया। वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है उस पर। कब हुआ ये वाकया? आज सुबह। आज सुबह? सुबह तो गुंदुस मेरे साथ था, तुम भी तो वहीं पर थी। झूठा इल्जाम है ये। सही कह रही हैं आप, झूठा इल्जाम है। उनके भाई सावजी और उस्मान भी लापता हैं। अर्तुरुल सरदार गए हैं उन्हें तलाश करने के लिए। मैं बाजार गई थी जब ही मुझे ये सब मालूम हुआ। ओ खुदा, मुझे जाना होगा वहां, सब बता दूंगी मैं उन्हें। कुंदूस मेरे साथ था ये भी, उसका इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेगुनाह है। रुके, अगर आप वहां गई तो मामला तो और पेचीदा हो जाएंगे। अगर उन्हें पता चला कि आप दोनों साथ थे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। परेशान ना हो आप, आपके बाबा और अर्तुरुल सरदार सब मालूम कर लेंगे और देखिएगा गुंदूस साहब भी आजाद हो जाएंगे। गुंदूस के जिंदान में रहते हुए मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकती, उसके पास जाना ही होगा मुझे। अर्तुरुल सरदार को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी मैं। कोई कुछ भी कहता रहे मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा घोड़ा तैयार करने का कहो, मैं बाबा से जाकर इजाजत लेकर आती हूँ। ऐसे नहीं बैठ सकती मैं। उस्मान, उस्मान, साहबजी, उस्मान, कहाँ आप? उस्मान, आवाज दीजिए। साहबजी, उस्मान, साहबजी, उस्मान, साहबजी, साहबजी, उस्मान। अभी खून खुश्क नहीं हुआ,
मतलब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है वो। सिपाहियों, चारों तरफ फैल जाओ, हम उन तक पहुंच गए, वो यहीं कहीं है। चलो आ जाओ सिपाहियों। दुमरुल अब्दुल रहमान, जाओ उस तरफ जाओ तुम लोग। सिपाहियों आओ, तुम लोग मेरे साथ आओ, आ जाओ। उस्मान साहब जी, लगता है हम बच गए, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। खेल खत्म हुआ बच्चे। नहीं छोड़ेंगे, चलो सिपाहियों भागते काओ। अगर दोबारा कोई हिमाकत की तो मेरी तलवार इंतजार नहीं करेगी सर तन से जुदा करने में। उसने मेरे लिए खुद को खतरे में डाला है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। कुंदूस भाई एक लड़की के साथ थे। कहां की है वो लड़की? तुर्क नहीं है सरदार। क्या नाम है उसका? उमर सरदार को इस इलाके से निकाल दिया गया है, ये खबर पहुंची है उन तक, और ये भी कि सिपाहियों को कत्ल किया गया।